नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। कैमूर पहाड़ी के सेंचुरी वन प्रणाली में पहली बार बाघ की तस्वीर को कैमरे में कैद। पहाड़ के अगल बगल गांव में काफी खुशी का माहौल। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन होने के बाद रोहतास कैमूर वन अभयारण्य से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल वन विभाग द्वारा जंगल में लगाए गए ऑटोमेटिक ट्रैपिंग कैमरे में जंगल में विचरण कर रहे एक नर बाघ की तस्वीर कैप्चर हुई है, जिसके बाद वन विभाग तथा पशु प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद इस अभयारण्य को और सुरक्षित करने के उपाय तेज कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैपिंग कैमरे में संभवत 26 तारीख को यह तस्वीर मिली है, जो शाम के 7 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि पिछले साल के नवंबर महीने से ही कैमूर पहाड़ी के जंगलों में बाघ के होने के निशान मिलने लगे थे। वहीं वन विभाग की टीम ने दुर्गावती जलाशय के पास भी बाघ होने की पुष्टि की थी, जब 2 पालतू मवेशियों पर उसने हमला किया था। पहले भी मिल चुके हैं बाघ के मल तथा पदचिन्ह। सासाराम के DFO प्रदमन गौरव ने बताया कि नवंबर तथा दिसंबर के महीने में बाघ के मल शौच भी बरामद हुए थे। इसे जांच के लिए देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भेजा गया, जिसमें पुष्टि हुई कि यह मल बाघ के ही हैं। बहरहाल ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से भी बाघ इस जंगल में आ गए हैं। लॉकडाउन के बाद जंगल में लोगों के प्रवेश पर है रोक। बता दें कि लॉकडाउन के बाद ही जंगलों में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जिसके बाद जंगली वन्य जीवन प्राणी आराम से विचरण कर रहे हैं। वन विभाग के लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से इस पर काम चल रहा है। अब जाकर लॉकडाउन होने के बाद बाघ की तस्वीर मिलने से पूरे रोहतास वन प्रमंडल में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोहतास से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। सर, ये पूछना चाह रहे सर कि बाघ के मिला है रात में, सर आप लोग कैमरा जो लगाया गया सर, उस पर सर क्या मामला है सर? जैसा कि आप जान रहे हैं कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वन प्राणी आश्रयणी है, तो यहाँ पे बाघ और अन्य जो वन्य जीव हैं उनके चिन्ह तो हमेशा से मिलते ही रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है जो सफलता वन विभाग को मिली है कि कैमरा ट्रैप में बाघ का जो तस्वीर है वो कैद हुई है। तो बाघ के मूवमेंट की जानकारी हम लोगों को थी और इसीलिए हम लोगों ने कैमरा ट्रैप जगह जगह जंगल में लगाए हुए थे, तो उसी में से एक ट्रैप में बाघ का फोटो आया है। और ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अभी ये पहली बार है कि बाघ का फोटो किसी कैमरा ट्रैप में कैद हुआ है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और इसके बाद अब हम लोग आगे जो है इसको नेशनल पार्क घोषित करने के लिए या टाइगर रिजर्व के लिए आगे की जो भी कार्रवाई है वो वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निर्देश के आलोक में कर रहे हैं। क्या है इसमें पूरा? इसमें पहले भी था बाघ, आज भी है, पहले भी इसका परचिन दिखा गया है। ये किस पहाड़ में मिला है? सेना के पहाड़ में, मुझे बहुत पहले इसका पैदल मिला था। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।